तैयार हो गया जी, एक एक तैयार हो गया। मम्मी एक बना रहा है क्या? एक तो गलत है, ये खुला हुआ यहाँ से नहीं खुला। अरे नहीं, खुला हुआ गलत है। सही है, सही है। सब अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, कम ऑन मम्मी की मम्मी। क्या फर्क पड़ता है, चार बन चुकी है यार, दो बनी है यार, ये धर्म बन चुका है यार। कितने साल से चीटिंग कर रहा है टीवी के ऊपर, कितनी गलत बात है। लड़ रहा हूँ, आप लड़ो अपने लिए। दो तो वापस करो हमारे, जब बन जाएंगे तब दे देंगे। चलिए आप वोट करिए किसने पहले बनाया और ज्यादा बेहतर बनाया, हर्षिका के पापा या पम्मी की मम्मी, कौन जीता आप डिसाइड करिए। पम्मी की मम्मी, पम्मी की मम्मी का, पम्मी के मम्मी का बढ़िया बनाया। चलो जी, खुद को अवार्ड देने में शर्म तो आ रही है मेरे को, पर कोई बात नहीं। तू पीछे हो यार, अब तो कुछ नहीं आ रहा था बड़ा ही गंदा। उनको भी दो मिलनी चाहिए एफर्ट के लिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। दो चॉकलेट पम्मी के लिए, दो चॉकलेट हर्षिका के लिए। चलिए जी, एक बढ़िया सा सालसा बनाएंगे हम थोड़े ट्विस्ट के साथ। चटनी सालसा में आप प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू डाल के बना सकते हैं कुछ चम्बर की तरह, पर ये सालसा थोड़ा हटके है। इस पर हम पहले रोस्ट करेंगे रेड पेपर्स को। कभी भी रेड पेपर्स को रोस्ट करने से पहले थोड़ा सा तेल लगा लें उनके ऊपर, तो उनकी जो स्किन है उसे उतारने में बहुत आसानी होती है। आप पीली शिमला मिर्च या हरी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर डालेंगे थोड़ा सा डालडा रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, अच्छी तरीके से मल लेंगे, एक नाइस शाइन आएगी इसके ऊपर इवन ऐसा। और फिर हम इसे जैसे बैंगन का भरता बनाने से पहले हम खुली गैस के ऊपर से रोस्ट करते हैं, वैसे हम इसे रोस्ट करेंगे। जब तक ये पेपर रोस्ट हो रहा है, हम हरा टमाटर यानी कि कच्चा टमाटर लेंगे, उसे चॉप करेंगे। चलिए, ये टमाटर, हरा टमाटर हमने काट लिया है, इसे डालेंगे एक बोल में। उसके बाद हमारा आज का मैजिक, जो रिपू मिर्ची लेकर आया था, उसे बारीक काटेंगे। इस मिर्ची के बीज हम निकाल लेंगे ताकि सालसा के अंदर मिर्ची की सिर्फ खुशबू हो। ये हमारी चॉप करी हुई मिर्ची, इसके बाद हम बारीक काटेंगे प्याज को।